अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद बिलाल और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स फोल्डर वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स, ये लाइब्रेरी ये ऑटोमेटिकली बनी होती हैं, तो हम इसी तरह अपनी नई लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता रहूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी पे राइट बटन पर क्लिक करने के बाद न्यू पे लाइब्रेरी पे क्लिक करें, उसके बाद जो भी आप इसका नाम रखना चाहें रख सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम से, तो मैं इसमें अब इंक्लूड अ फोल्डर करता हूँ, मतलब कि इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स इंस्टॉल करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरी जो मैंने प्रोग्राम लाइब्रेरी बनाई थी उसमें मैंने प्रोग्राम्स कर लिए हैं। इस तरह आप अभी लाइब्रेरी में देखिए, यहाँ पहले डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस थे, अब मैंने नया फोल्डर, एक नई लाइब्रेरी बनाई है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी चाहे तो जितनी मर्जी इस तरह बना सकते हैं, जो उनसे नाम से मर्जी, तो इस तरह दोस्तों आप लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर